अभी हम लोग हुसैनगंज रूट में जाने वाले हैं, तो चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे इस रूट में क्या क्या है चीज़ें। चलिए आप लोग बने रहिए। तीन मित्र हैं, इनका नाम है रोहित यादव, आगे जो ड्राइव कर रहे हैं उनका नाम है प्रशांत यादव, और आपको आप पता ही होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए हमारे पीछे जो इस तरह से गाड़ी आ रही है, ये रूट में हमेशा गाड़ी जाती रहती है, हमेशा भीड़ लगता ही रहता है। हरियाली है, आप देख सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा खेती किया गया है, और यहाँ पे जो जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है ये सब सरसों लगाया गया है इसको, और जो हरा आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा गेहूं है, गेहूं की खेती किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नया नया जो घर बना हुआ है, देख सकते हैं आप। सारे चौथी पे पहुंचने वाले हैं, और आप देख सकते हैं जो सारे चौथी है जो इस तरह लगा, यहाँ पे सामने देख सकते हैं कुछ लड़के यहाँ पे जो क्रिकेट खेल रहा है सब, और यहाँ पे जो मार्केट है चौथी का सारिया का, जो कुछ इस तरह से है, जो दुकान वगैरह लगा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल का दुकान है, और इधर देख सकते हैं बहुत सारा जो पेड़ पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं एक जो उसको बोला जाता है चिवड़ा मिल, यहाँ पे चिवड़ा मिल आपको सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो बाइक का जो रिपेयरिंग किया जाता है। गाइस ये रूट में आप हमेशा जाइएगा, कोई ना कोई आपको दिखने को मिलेगा ही अच्छा चीज। यहाँ पे देख सकते हैं एक बगीचा है, जो कि यहाँ पे इस गांव के जो लड़के हैं हमेशा सुबह शाम आके खेलते हैं, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए जो ये वन विभाग, ये जो पेड़ पौधा है काफ़ी ये सूख पड़ा है, लेकिन वन विभाग इस पर नज़र नहीं डाल रहा है, इसको लेके जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल का टावर लगा हुआ है, आपको गाइस बतला दूँ हर एक इंडिया में हर एक जगह पे एयरटेल का टावर लगा रहता है, एयरटेल का नेटवर्क जो है आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आता है, सर्वर इसका डाउन नहीं रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार जो शीशों का पेड़ आपको दिखाई देने दे रहा है, ये वन विभाग को इस पर एक नज़र डालना चाहिए। आपको बतला दूँ हम एक मिनट में अभी हुसैनगंज पहुँचने वाले हैं, तो चलिए आपको हुसैनगंज जो ब्लॉक है उसको भी आपको दिखाएँगे किस तरह से है। यहाँ पर देख सकते हैं एक हेल्थ केयर का जो लगा हुआ है मेडिकल, यहाँ से करीब अंदर आपको 7 किलोमीटर पड़ेगा। आप देख सकते हैं हुसैनगंज का एक जो पेट्रोल पंप आप सामने देख सकते हैं, भारत पेट्रोलियम है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे तेल मिलता है, आपको कोई फर्जीवाड़ा तेल नहीं मिलता है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है, यह भी बहुत अच्छा जो तेल यहाँ पर मिलता है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है इसी तरह से। और कुछ मिनटों के बाद आप देख सकते हैं जो ब्लॉक आने वाला है हुसैनगंज का, वो भी आपको दिखाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं जो हुसैनगंज का जो पोस्टर लगा है यहाँ पे, देख सकते हैं बोर्ड लगा है, और जो यहाँ का जो मोहल्ला है गांव है जो इस तरह से है। देखिए गाइस आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, हुसैनगंज ब्लॉक है ये, देख सकते हैं आप काफ़ी पुराना हो चुका है ये, बहुत प्रसिद्ध ये ब्लॉक है हुसैनगंज का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इसमें मौजूद है, देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक का एक शाखा यहाँ पर भी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये जो व्यू, ये हुसैनगंज का ये व्यू है।
चलिए आपको अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हुसैनगंज का जो ब्लॉक है इसी में जो लड़का जाति निवास वगैरह ये जो भी बनवाने के लिए इस ब्लॉक पे आता है सब, और उन लोग का जो कर्मचारी होते हैं उन लोग से मिलजुल कर ये जो है उन लोग का बनता है। और हमारे सामने जो देख सकते हैं ये जो प्रशांत जी हैं जो इसी गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं और रोहित जो है उनके सामने हैं, और तो चलिए हम इनसे भी कुछ बातें करेंगे। ये देख सकते हैं हमारे सामने जो रोहित जी हैं जो अभी हम लोग का सफ़र में ये भी शामिल हैं, तो इनसे भी पूछेंगे। रोहित जी आज का सफ़र कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा आपके साथ घूमकर। क्या फील हो रहा है आज आने के बाद यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है हुसैनगंज ब्लॉक। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग हुसैनगंज ब्लॉक में हैं और यहाँ पे देखते हैं छोटा बच्चा जो जाति निवास बनाने के लिए तो सोचता है जाने के लिए, जो नया लड़का है जाति निवास बनाने के लिए सोचेगा तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो ब्लॉक है किस तरह से है और कौन सा जो परेशानियाँ नहीं है, किस तरह से आकर यहाँ पे लाइन लगा कर किया जाता है, जो भी है आप बतला सकते हैं? हाँ भाई साहब, देख सकते हैं आज रिपब्लिक डे के होने की वजह से आज कार्यालय सब पूरा बंद हुआ है और हम लोग इसी फील्ड में आए हुए घूमने के लिए, तो सोचे क्यों नहीं बना दें। तो देख सकते हैं यही जो कार्यालय है जो कि यहाँ पे जाति निवास के लिए लाइन लगता है और यहाँ पे जो लड़के लाइन लगा कर यहाँ पे फॉर्म जो अप्लाई करते हैं और 21 दिन के बाद उन लोग का जो फॉर्म पूरा होकर उन लोग का जो रिसीविंग मिल जाता है और वो जो जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ पे वो लगा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रशांत जी हैं जो इसी हम लोग गद्दी से आए हुए हैं, चलिए हम प्रशांत जी से भी कुछ बातें विचार करेंगे। प्रशांत जी ये माइक लगा लीजिए। क्या आज के सफ़र आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और क्या फील हो रहा है हमारे साथ आकर आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके साथ आकर। हमारे दर्शक को आप क्या बोलना चाहिएगा? ये जो ब्लॉग कृपया राकेश जी का ब्लॉग देखें, अच्छा लाइक सब्सक्राइब करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए गाइस हम लोग हुसैनगंज जो ब्लॉक है यहाँ से हम लोग टर्न ओवर करते हुए हम लोग फिर जा रहे हैं इससे आगे। गाइस आप देख सकते हैं सामने एक मंदिर है हुसैनगंज का, ये यहाँ पे जो भी मन्नत मानिएगा वो पूरा कर दिया जाता है। गाइस आपको बतला दूँ आज का आज जो बसंत पंचमी है और यहाँ पे जो देहात में हर एक जगह जो सरस्वती पूजा का जो पंडाल बनाकर यहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है, बहुत काफ़ी धूमधाम से किया जा रहा है ढोल बाजा के साथ। तो चलिए उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ इस तरह से जो फर्नीचर वगैरह का जो दुकान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मिस्त्री किस तरह से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है आंदर का 6 किलोमीटर दिखाई दे रहा है और रघुनाथपुर का जो दिखाई दे रहा है 12 किलोमीटर, तो यह भी हम लोग नज़दीके में हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो सरसों लगा हुआ है खेत का हरियाली कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं जो गांव का जो लड़का सब है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये आज तक ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।